स्टूडेंट कैसे हो? पढ़ाई कर रहे हो? पढ़ाई करना ही चाहिए, क्योंकि आपका सब्जेक्ट कौन सा है? मैथमेटिक्स। और मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सब्जेक्ट है भाई। चलो भाई, अच्छी शुरुआत हो रही। आज अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में नया टॉपिक देख रहे हैं आज, जो मैथमेटिक्स में आपके टेक्सटबुक्स का हेडिंग है, मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स क्या है? ये मैथमेटिक्स का एक सब ब्रांच है, बराबर है। ये जो मैथमेटिक्स में सब ब्रांच है स्टैटिस्टिक्स, उस स्टैटिस्टिक्स का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो आप इन स्टैंडर्ड 10 और 11 यू हैव स्टडी द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ द प्रोबेबिलिटी। आपने प्रोबेबिलिटी के थ्योरी के बारे में 10 स्टैंडर्ड में 11 स्टैंडर्ड में देखा है, तो आपका बेसिक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। फिर भी आप कुछ उसमें से जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो आपको फिर से देखनी पड़ेगी, ताकि अपने को जो अभी जो टॉपिक्स हैं जो 12th क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का जो मैथमेटिक्स है स्टैटिस्टिक्स का पार्ट है, तो अभी स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट टॉपिक देख रहे हैं अपन 12th क्लास का 7 नंबर का टॉपिक्स है, चैप्टर नंबर 7, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। देखो भाई, आप 9, 10, 11 स्टैंडर्ड से देख के आ रहे हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है, स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कंसेप्ट देख के आ रहे हैं, तो 7 नंबर का जो टॉपिक्स है अपना प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत अच्छा टॉपिक्स है। कुछ पार्ट इसमें से रिड्यूस हुए हुए हैं, देखेंगे अपन कौन सा रिड्यूस हुए हुए हैं, तो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, कुछ नया सीखने को मिलता है। तो जो आपने अब तक प्रोबेबिलिटी देखा उसका एडवांस प्रोबेबिलिटी अभी आने वाला है, तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स अपन देखने वाले हैं। तो इसमें आप फर्स्ट देखते गए कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में सैंपल पेस, आपने सुना ये टर्म, ये इंपॉर्टेंट टर्म्स होता है सैंपल पेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। इसका जो थ्योरी है वो प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। जैसा आपने देखा था प्लेइंग कार्ड के बारे में, देखा था कॉइन के बारे में, देखा था 1 कॉइन टॉसिंग, 2 कॉइन टॉसिंग, 3 कॉइन टॉसिंग के बारे में देखा था। प्लेइंग कार्ड जो पत्ते रहते हैं एक का दूरी दूरी, ओके, जैक किंग क्वीन, इसका आपने कंसेप्ट देखा था, बहुत सारे कंसेप्ट देखे थे हमने, डाई का देखा था, ओके, लॉटरी टिकट का देखा था, नंबर कंटिन्यू फ्रॉम 1 to 100 वगैरह, ऐसे इस तरीके से आपने जो छोटे छोटे एग्जाम्पल के बारे में अब तक स्टडी हुए हुए हैं, प्रोबेबिलिटी के बारे में आपको जानकारी हुई हुई, लेकिन अभी जो पार्ट आने वाला है वो थोड़ा एडवांस पार्ट रहेगा, अच्छा पार्ट रहेगा, जो कि अपने डेली लाइफ में भी बहुत सारे ऐसे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड कंसेप्ट है। ये प्रोबेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड पार्ट आता है, बैंक से रिलेटेड आता है, तो आप इस टॉपिक को इग्नोर मत किए, क्योंकि अपने डेली लाइफ में भी ये पार्ट यूज़ होता है। तो अपने इंडियन साइंटिस्ट, बहुत सारे साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट ने स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है। तो चलो अभी अपन इसमें से कोई इम्पोर्टेंस जो पार्ट है इंट्रोडक्शंस में देखेंगे अपन। इसमें जो इंट्रोडक्शंस का पार्ट देखने जा रहे हैं, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है इवेंट्स का, सैंपल पेस का, उसके बाद में इंटरसेक्शंस है, इंटरसेक्शंस के बाद में यूनियन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री आता है, ये सब बेसिक टर्म्स आते हैं। अब इसमें से अभी अपने को कौन सा टर्म लेना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। अभी यहाँ पे अपन देखेंगे, सबसे पहले सैंपल पेस के बारे में देखेंगे। अब सैंपल पेस देखो किस तरीके से होता है। अभी ये इसके बारे में आपको पता है, एक्चुअली ज़्यादा बोलने का कोई ये नहीं, क्योंकि इसका इसके बारे में आपको अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन मिली है। सैंपल पेस ये क्या होता है, फॉर एग्जांपल, एग्जांपल लेकर अपन देखेंगे। सपोज एक कॉइन है, एक कॉइन अगर आप टॉस करते हो तो आपको उसमें से कितने आउटकम मिलते हैं, यानी कितनी पॉसिबिलिटी रहती है। प्रोबेबिलिटी का मतलब ही क्या है, प्रोबेबिलिटी बोले तो प्रोबेबल, चांस,
कितने आउट्स कम निकलते हैं। अभी एक कॉइन अगर टॉस करते हैं या हेड गिरेगा या तो टेल गिरेगा, इसमें कितने आउट्स कम आ रहे हैं, दो आउट्स कम आ रहे हैं। वेरी सिंपल कंसेप्ट है, एक अगर कॉइन आप टॉस करते हो तो उसमें से आउट्स कम, यानी पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी एक तो हेड गिरेगा एक तो टेल गिरेगा, इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। और वही अगर दो कॉइन टॉस करते हैं तो साइमल्टेनियसली टू कॉइन्स आर टॉस, इसके ये एक कॉइन टॉस करेंगे लेफ्ट हैंड साइड से, दूसरा कॉइन टॉस करेंगे, दोनों का हेड एंड टेल रहेगा दोनों में, तो पॉसिबिलिटी क्या है। फॉर एग्जांपल मैंने फर्स्ट ये कॉइन राइट हैंड का कॉइन टॉस कर दिया, राइट हैंड का कॉइन अगर टॉस करते हैं तो उसका हेड गिरे या टेल गिरे, कंसिडर करो कि हेड गिरता है, तो पॉसिबिलिटी अभी लेफ्ट कॉइन का क्या है, हेड भी गिर सकता है टेल भी गिर सकता है। फिर सपोज इसका हेड गिरेगा, अब अपने को उसकी पॉसिबिलिटी कंसिडर करनी पड़ेगी, टेल भी गिर सकता है हेड भी गिर सकता है, यानी ये राइट हैंड साइड का जो टॉस है जो कॉइन है उसे टॉस करने के बाद में, उसे टॉस करने के बाद में सपोज हेड कंसीडर किया तो इधर से हेड एंड टेल लेगा, यानी टू पॉसिबिलिटी कंसीडर होंगी, ये फिक्स करेंगे हेड, इसका हेड एंड टेल रहेगा, तो दोनों को साथ में लेना पड़ेगा, हेड को भी साथ में लेना पड़ेगा, टेल को भी साथ में लेना, कैसा ऐड करेंगे टू कॉइन के बारे में, टू कॉइन्स आर टॉस के बारे में देखेंगे अपन। तो एक कॉइन से ये इसमें हेड वगैरह रहेगा, ये कॉइन से हेड बराबर, ये दूसरा कॉइन से हाँ इसका सपोज ये हेड या तो टेल कंसीडर होता है, इसका भी हेड या तो टेल कंसीडर होता है बराबर, इसका अपन कंसीडर कर लेंगे कि हेड गिर गया, तो इसकी दो पॉसिबिलिटी रहेंगी इसके साथ में, हेड या तो टेल, हेड या तो टेल, ऐसी पॉसिबिलिटी रहेगी। अब इसका अगर हेड गिरता है इसके साथ में दो पॉसिबिलिटी बनेगी, ये तो यच होगा या तो फिर यच पी होगा, यानी इसके साथ में ये दोनों पॉसिबिलिटी है। सपोज अगर आप इसे कंसीडर करते हो, ये टेल को कंसीडर कर रहे हो आप, टी को कंसीडर, इसका फिर भी यच और टी पॉसिबल है, यच और टी पॉसिबल है, इसके साथ में अगर कंसीडर करोगे तो ये आएगा टी यच आएगा या तो टी पी आएगा, इस तरीके से आपको कंसीडर करना पड़ेगा। देखो भाई यहाँ पे अभी अपन को देख रहे हैं टू कॉइन का कंसेप्ट देख रहे हैं, तो पॉसिबिलिटी कितनी आ रही, फोर पॉसिबिलिटी आ रही, यानी एक कॉइन अगर टॉस करते तो दो पॉसिबिलिटी है, एक तो हेड गिरेगा एक तो टेल गिरेगा, यहाँ पे टू कॉइन्स अगर टॉस करते हैं तो दो पॉसिबिलिटी आती है, यच यच आएगा या तो यच टी या तो टी एच या तो टी टी, या तो दोनों हेड गिरेंगे, या तो एक पहला हेड है ऑलरेडी दूसरा टेल गिरेगा, या तो फिर पहला टेल गिरेगा तो दूसरा हेड रहेगा, या तो पहला टेल ऑलरेडी गिरे हुआ है तो दूसरा टेल गिर सकता है। इस तरीके से टू कॉइन की चार पॉसिबिलिटी, उसी तरीके से थ्री कॉइन की पॉसिबिलिटी एट आती है, यच 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 टी बराबर है, यच 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 टी यच टी यच टी यच यच टी 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 यच टी यच टी यच टी टी, ऐसे एट आते हैं, इस तरीके से एड होते हैं, आप उसमें से तो कुछ रहा तो आप कंसीडर कर लो, ठीक है। तो अभी एक डाई कंसीडर करेंगे, जो डाई शकुनी मामा, आपको पता था बहुत भारी आदमी था, शकुनी मामा बोले तो महाभारत आ जाता है, ये डाई का अगर कंसेप्ट आए तो मेरे को तो सबसे पहले भाई वो शकुनी मामा दिखाई देता है, और शकुनी मामा ने पूरा महाभारत खड़ा कर दिया था, तो अपनी डाई उत्ता नहीं करी, अपने डाई बहुत पॉजिटिव है, अपनी डाई का अपने को पॉजिटिव कंसेप्ट लेना है। जो डाई है तो वो जो डाय रहता है क्योंकि क्यूब रहता है, अपर फेस बोलेंगे वन है ओके, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, उसके पीछे जो होगा इसके पीछे सिक्स होगा ओके, इस तरीके से अपर फेस आते हैं उसके। अगर ये डाय को आप थ्रो करते हो तो उसका जो अपर फेस जो भी आएगा, तो पॉसिबिलिटी कितनी है, यहाँ पे छः नंबर है, अपर फेस छः है उसे, और ये जो सपोज आप इसे आप क्यूब कंसिडर करो, ये अभी क्यूब आई है, आप क्यूब कंसीडर इसे कंसीडर करो, ये भी नहीं समझेंगे, सपोज वन टू थ्री फोर फाइव और इसके पीछे का जो पार्ट है वो सिक्स पार्ट है बराबर है, तो इसमें से इसको अगर मैंने किया शकुनी मामा या शुल्क, तो आउट फेस कोई भी आ सकता है भाई, तो इसमें से छः पॉसिबिलिटी रहती है, कितनी पॉसिबिलिटी थी, छः पॉसिबिलिटी, कितनी पॉसिबिलिटी है, छः पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो अपर फेस वन हो सकता है, अपर फेस टू हो सकता है, अपर फेस थ्री हो सकता है, अपर फेस सिक्स हो सकता है। तो यहाँ पे आप सैंपल फेस क्या कंसीडर कर रहे हैं भाई, ये सैंपल फेस आएगा डाई का वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये आएगा भाई कुछ ना कुछ तो आएगा, ये सैंपल फेस रहेगा, यच से डिनोट करेंगे या तो कैपिटल ए कैपिटल वाई से डिनोट करेंगे, ये सैंपल फेस रहेगा यच यच
एच टी टी एच टी टी, इस तरीके से अपन ने देखा। ये सैंपल के साइज का इसे डिनोट करेंगे कैपिटल एक्स एक्स वाई से, इस तरीके से जनरली एच से अपन डिनोट करते हैं। ये सैंपल पे आने वाला है, तो आप किसके बारे में देख रहे हैं अभी? सैंपल पेस के बारे में देख रहे हैं भाई, सैंपल पेस के बारे में आप देख रहे हो। तो अभी वेरी सिंपल है, सैंपल पेस मीन्स क्या है? तो एनी ऑब्जेक्ट और एनी, आई सपोज कंसिडर करो कि थ्रो अ डाई, थ्रो अ डाई, देन पॉसिबल आउटकम्स 1 2 3 4 6, लाइक अ 1 2 3 4 6 है, पॉसिबल आउटकम कितने 6 है, इसी क्या कहेंगे? उसका सैंपल पेज कहेंगे, इसी क्या कहेंगे? उसका सैंपल पेज कहेंगे। तो वेरी सिंपल कंसेप्ट है भाई, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सैंपल पेज जो भी रहता है वो कैपिटल लेटर से आप डिनोट कर सकते हो, यस से, जनरली यस से डिनोट करते हैं अपन, यस से डिनोट करेंगे। समझ में आओगा, ऐसी आशा करता हूँ कि सैंपल पेज के बारे में आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो सैंपल पेज है ये बहुत, इसका जो इंट्रोडक्शन है सबसे सिंपल और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसका आप सिंपल डेफिनेशन कर सकते हो, जो डाई है उसके लाइक 1 2 3 4 6 आते हैं, यानी पॉसिबल आउटकम्स, अ कॉइन और टू कॉइन एंड और थ्री कॉइन्स आर टॉस, देन पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज सैंपल पेज, यानी पॉसिबल आउटकम जितने भी होंगे वो क्या रहेगा? उसका सैंपल। इस तरीके से आप डेफिनेशन ध्यान में रख सकते हो। अभी अपन देखने वाले इसके आगे, बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड हुआ होगा, समझ में आया होगा, अंडरस्टैंड हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखो भाई, सैंपल पेज के बारे में अपन और एक बार बताएंगे। अभी मैंने डेफिनेशन का जिक्र किया था, डेफिनेशन आप वेरी सिंपल बना सकते हैं इसके से। तो अपन कंसिडर करें कि ये सैंपल पेज टू पॉइंट का है, एच एच है, एच टी है, टी एच है और टी टी है, ये हो गया आपका सैंपल पेज करेंगे टू पॉइंट के, यानी पॉसिबल आउटकम फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। कोई भी अभी ऑब्जेक्ट कंसिडर करो, टू पॉइंट ले लिया अपन ने, ओके, या तो डाय ले लो, डाय कंसिडर कर लिया अपन ने, डाय डाय है, तो उसका 1 2 3 4 5 6 ये उसके पॉसिबल आउटकम्स है। डाई को थ्रो करेंगे तो थ्रो अ डाई, देन पॉसिबल आउटकम्स आर 1 2 3 4 6 डिफाइंड, इट इज डिफाइंड इन द फॉर्म कॉल्ड एज द सैंपल पेज, इसे अपन सैंपल पेज कह सकते हैं, ये रहेगा उसका सैंपल पेज। अभी मैंने जिगर किया था इवेंट का, इवेंट सेकंड पॉइंट है, इवेंट, इवेंट क्या होता है? जैसा अपन सेट बोलते हैं, सबसेट बोलते हैं, सेट और सबसेट बोलते हैं, सेट बोले तो सैंपल पेज और सबसेट बोले तो इवेंट, यानी इवेंट प्रोबेबिलिटी के लैंग्वेज में, प्रोबेबिलिटी के जो स्टैटिस्टिक का ब्रांच है, प्रोबेबिलिटी में आप सैंपल पेज को सेट कंसीडर करो और इवेंट को सबसेट कंसीडर करो। इसमें से पॉसिबल कंसीडर करेंगे कि ए से डिनोट करेंगे, कोई भी लेटर है कैपिटल ए बी सी डी से ले सकते हैं, इवन नंबर कंसीडर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? इवन नंबर, इवन नंबर, अब यहाँ से इवन नंबर ले रहे अपन डाई से, इवन नंबर आ रहा है, 2 आ रहा 4 आ रहा 6 आ रहा है, ये इवन नंबर आ रहा है, तो ये क्या होगा? इसका इवेंट हो गया, इवेंट हो गया, यानी इवेंट ही क्या रहेगा? उसका सबसेट कंसीडर करेंगे। तो इवेंट वेरी सिंपल है, सैंपल पेज का जो भी सबसेट है सो कॉल्ड एज द इवेंट, यानी इसका डेफिनेशन कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, कि जो भी सबसेट रहेगा सैंपल पेज का वो क्या रहेगा? उसका इवेंट कंसीडर करेंगे। तो अभी अपन ने देखा है कि इसमें आप दो कंसेप्ट देखिए, सैंपल पेज और ए, मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये समझ में आए होंगे। तो चलो दोस्तों, अभी आगे बढ़ते हैं, अपन टॉपिक के तरफ बढ़ते हैं, टॉपिक के तरफ अपन जाएंगे, तो इसमें इम्पोर्टेंट पार्ट पढ़ने जा रहे हैं, थर्ड वाला पार्ट देखेंगे अभी, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, अगर आपको समझ में आता है भाई तो टॉपिक बहुत ईजी जाएगा, और वो है रैंडम वेरिएबल, बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है, रैंडम वेरिएबल का डेफिनेशन, द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एंड आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज, फॉर डिफरेंट आउटकम, द
वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल। इस तरीके से उसकी डेफिनेशन है। इन्हें कहने का मतलब है, मैं अभी आपको डेफिनेशन एक्सप्लेन करता हूँ। जो अभी आपने डेफिनेशन देखा है, ये डेफिनेशन देखिए, इस डेफिनेशन में देखा क्या देखा आपने, नंबर अपटेन फ्रॉम द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। अंडरस्टूड? आपने देखा कि जो नंबर है वो ऑप्टन हो रहे हैं, कहाँ से हो रहे हैं, फ्रॉम अ आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट करेंगे वहां से जो आउटकम आ रहे हैं, फॉर डिफरेंट वैल्यूज आ रही, फॉर डिफरेंट आउटकम है, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आउटकम्स है उसके। तो इसमें जो वैल्यू आएगी, दिस वेरिएबल, जो वेरिएबल है एक्चुअली, जो उसमें जो वेरिएबल रहेगा, जो वेरिएबल वो डिपेंड्स किस पे, आउटकम पे डिपेंड्स है। किसके आउटकम पे डिपेंड्स है, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसके आउटकम पे डिपेंड्स है। जो वेरिएबल की वैल्यू कंसिडर कर रहे हैं अपन, वो वैल्यू किस पे डिपेंड्स है, उसके आउटकम पे। किसके आउटकम पे, जो आप रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं उसके आउटकम पे डिपेंड्स आती है उस वेरिएबल की वैल्यू, उसे कहते हैं रैंडम वेरिएबल। ये अपन एक एग्जांपल देखेंगे। अभी आपने डेफिनेशन देखा, अभी अपन देखेंगे एग्जांपल लेके कि रैंडम एक्सपेरिमेंट किस तरीके से होता है। देखिए क्लियर स्टूडेंट, अपन एग्जांपल लेंगे, 2 पॉइंट्स आर टॉस का, बाद में 3 पॉइंट्स आर टॉस का एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद में आपके समझ में आएगा कि किस तरीके से रैंडम वेरिएबल होता है। देखो अभी मैं सैंपल पे लिखता हूं, सैंपल पे इस तरीके से लिखता हूं, 2 पॉइंट्स आर टॉस का, और यहाँ पे लिखेंगे अपन रैंडम वेरिएबल। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट्स आर टॉस का लिखेंगे, 2 पॉइंट एच टी आएगा बराबर है, TH आएगा और TT आएगा। अब इसमें कंसीडर कर रहे हैं अपन फॉर हेड के लिए, फॉर हेड के लिए जो वेरिएबल ले रहे हैं अपन, रिलेटेड टू हेड से लेंगे, टेल से भी लिया चलता, नो प्रॉब्लम, अपने को एग्जांपल के दौर पे देखना है। अभी ये मैंने सैंपल पे लिखी H TH TT, तो फॉर हेड बोले तो यहाँ पे कितना हेड है, 2 हेड है, रैंडम वेरिएबल 2 हो गए। यहाँ पे हेड कितना है, 1 है, रैंडम वेरिएबल 1 हो गए। यहाँ पे कितना हेड है, 1 है, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल 1 हो गए। यहाँ पे हेड नहीं है, रैंडम वेरिएबल 0 हो गए। दिस इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस सैंपल, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट आउटकम, ये डिफरेंट आउटकम है। द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एन आउटकम, डेफिनेशन देखा आपने, ऑब्जर्व करो डेफिनेशन को, इधर ध्यान दो, द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, डेफिनेशन देख रहे हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, ये जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं, जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया आपने, 2 पॉइंट्स आर टॉस रैंडम एक्सपेरिमेंट, 2 पॉइंट्स आर टॉस रैंडम एक्सपेरिमेंट है, वहां पे जो नंबर ऑब्टेन हो रहे हैं 2110, ये नंबर कहां से, नंबर ऑब्टेन फ्रॉम आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट वैल्यूज, ये डिफरेंट वैल्यूज है, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट आउटकम, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ डिफरेंट आउटकम, डेफिनेशन देख रहे, डिफरेंट वैल्यूज फॉर डिफरेंट आउटकम, द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल, वैल्यू वेरिएबल है ना, अलग अलग आ रही, द वैल्यूज ऑफ दिस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन आउटकम्स ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, therefore it is called as random variable। ये अपन ने डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन देखा।
इस तरीके से अपन एक्सप्लेन किया। अभी यहाँ पे यच एच है, मैं अभी डेफिनेशन में नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटकम, लेकिन आउटकम से ऑपर रैंडम एक्सप्रेस में मैंने क्या किया, दो कॉइन टॉस किए, दो कॉइन टॉस किए तो उसके जो पॉसिबल आउटकम थे बराबर है, तो आउटकम फ्रॉम द रैंडम एक्सपेरिमेंट उसके अपन आउटकम देख रहे हैं, ये नंबर आ रहे हैं उसके। अभी दो कॉइन के हैं, एचएच आ सकता है, डिफरेंट वैल्यूज रहेंगी, डिफरेंट आउटकम की, ये अलग से आउटकम है, ये डिफरेंट आउटकम है, वो दो अलग डिफरेंट है, ये अलग डिफरेंट, ये डिफरेंट आउटकम है। एचएच है फॉर हेड के लिए देख रहे हैं, तो टू आ रही रैंडम वेरिएबल हेड के लिए देख रहे हैं, यहाँ पे एक ही हेड है, डिफरेंट आउटकम है, डिफरेंट वैल्यू रहेंगी उसकी, डिफरेंट वैल्यू इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। ये रहेगा इस एक्सपेरिमेंट का रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्या आएंगे, कैपिटल एक्स से डिनोट करेंगे अपन, जीरो है, वन है और टू है, इसे रिपीट करना नहीं, जीरो वन टू अंडरस्टू, इतना सिंपल रैंडम एक्सपेरिमेंट है भाई। अभी अपन और एग्जांपल लेंगे ताकि आपको अच्छी तरीके से समझेगा। टेक्स्ट बुक्स में दिया है आपको वाई एन जर सीड जर्मिनेट सीड्स, यस बोलेंगे, नॉट जर्मिनेट नो बोलेंगे, अपन देख रहे हैं हेड और टेल से, ये जल्दी समझ में आएगा क्योंकि आपका 9-10 में होया, 11 में होया। अभी थ्री कॉइन शॉर्ट टॉस क्या रहेगा, आपको पता है क्या रहता है, आपने डेफिनेशन देखा, अपन डेफिनेशन को बार बार देख रहे हैं, यच 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 है, यच यच टी है, यच टी यच है, टी यच यच है, बराबर है। यहाँ पे अपन बोलेंगे टी टी यच है, टी यच टी है, यच टी टी है, और बाद में टी 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 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये आ गए। इस तरीके से ये सैंपल फेस होगा अभी, बराबर है, इस तरीके से सैंपल पेस होगा। अभी मैं इसे कॉलम फॉर्मेट में ना लिखते हुए इसे रो फॉर्मेट में लिखा, तो फॉर हेड के लिए देखेंगे अपन कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है। अभी आपने डेफिनेशन देखा, द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम एन आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट फॉर डिफरेंट, वी कैन टेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंट आउटकम, द वैल्यू ऑफ दिस वेरिएबल डिपेंड्स ऑन द आउटकम ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज रैंडम वेरिएबल। अभी डेफिनेशन देखा, तो देखिए भाई ये एक एक्सपेरिमेंट हुआ, रैंडम एक्सपेरिमेंट में कंसिडर कर रहे हैं, अपन रैंडम एक्सपेरिमेंट में जो ऑब्टेन हो रहे नंबर कौन से हो रहे, देखो फॉर हेड के हिसाब से यहाँ पे कितने हेड है, 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, और यहाँ पे 0 है, ये नंबर ऑब्टेन हो गए। द नंबर ऑब्टेन फ्रॉम आउटकम, नंबर ऑब्टेन फ्रॉम द आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, वी कैन टेक द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ अ डिफरेंट आउटकम, डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द डिफरेंट आउटकम, देयरफॉर द दिस वैल्यू डिपेंड्स ऑन द आउटकम्स ऑफ द रैंडम एक्सपेरिमेंट कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल रहेंगे, एक्स से डिनोट करेंगे उसे, 0 है, 1 है, 2 है और 3 है, दिस इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल ऑफ दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ये रैंडम एक्सपेरिमेंट इसका ये क्या है, रैंडम वेरिएबल। आशा करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ओके, अब रैंडम वेरिएबल जो देखा आपने, तो इस तरीके से आप ध्यान में रख सकते हो उसे। इस तरीके से अपन ने टेल के लिए अभी कंसिडर किया, तो उसी तरीके से आएगा, ये फॉर हेड के लिए था, अपन टेल के लिए कंसिडर करेंगे, फॉर हेड के लिए देखा अपन ने। चलो कोई बोलेगा सर फॉर टेल के लिए क्यों नहीं बता सकते आप, नो प्रॉब्लम, यहाँ पे क्या है, नो टेल 0 है, यहाँ पे टेल 1 है, यहाँ पे टेल 1 है, यहाँ पे टेल 1 है, यहाँ पे टेल 2 है, यहाँ पे टेल 2 है, यहाँ पे टेल 2 है, यहाँ पे टेल 3 है, तो इसका रैंडम वेरिएबल क्या आएगा भाई, यस ये भी आएगा 0 1 2 3। फॉर हेड के लिए भी वो 0 2 3 आ रहा है,
हेड टेल के लिए भी जीरो टू थ्री है, तो दिस इज कॉल्ड एज द रैंडम वेरिएबल। ये टॉपिक अगर आपको अच्छे तरीके से अंडरस्टूड होना है, समझ में आना चाहिए, तो रैंडम वेरिएबल ये कंसेप्ट इस टॉपिक का सबसे इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप इसे बहुत अच्छी तरीके से अंडरस्टूड करो ताकि आपको आने वाले हैं। अभी अपन नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं टाइप्स ऑफ द रैंडम वेरिएबल। सो टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय।